निलॉस यूनिसेक्स सलोन एंड अकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन कचहरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल। अब बात एक थप्पड़ से बुजुर्ग के मौत की। अजमेर की कोतवाली थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग को थप्पड़ मारने के बाद मौत के मामले में पुलिस अब जागी है। एक बेगुनाह बुजुर्ग की मौत का इंसाफ कोतवाली पुलिस एक महीने के बाद भी नहीं दिला पाई है। बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार आरोपी आज भी खुले में घूम रहा है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में आज भी वो फरार है। वहीं इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गुस्साए युवक के तमाचे ने बुजुर्ग की जान ले ली। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हाथीबाटा इलाके में गौतम स्कूल वाली गली के पास 23 अक्टूबर को एक युवक ने बुजुर्ग को इतना जोर से तमाचा मारा कि बुजुर्ग गश खाकर जमीन पर गिर गया और सर जमीन पर टकरा गया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी के पीछे खड़ा होने पर बुजुर्ग ने स्कूटी को दुकान के सामने से हटाने की बात कही थी, लेकिन इस मामूली सी बात से इतना बवाल हुआ कि गुस्से में मदमस्त इस रेल कर्मचारी ने बुजुर्ग को थप्पड़ दर्ज किया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना से पुलिस पर कई सवाल या निशान भी खड़े होते हैं कि क्या अजमेर एसपी इस मामले में लेट लतीफी से जांच कर रहे दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन लेंगे। इस मामले में इंसानियत भी दागदार हुई है, लेकिन कैसे थप्पड़ पड़ने पर गिरे बुजुर्ग को उठाने सड़क से कोई भी नहीं आया। खैर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने और मीडिया में खबरें चलने के बाद पुलिस की नींद खुली है और अब एडिशनल एसपी नारायण बारेठ ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। एफआईआर नंबर 248 नंबर ये कोतवाली में दर्ज हुई थी 23/10 को। सिंपल धारा में जिस प्रकार से हुई, सिंपल धारा में 323/41 में दर्ज हुई थी। परिवादी 26 तारीख को दौरान इलाज उसकी मृत्यु होगी। 27 तारीख को ही हमने उस पर 304 आई उसके ऑफिस में मुलजिम की तनाश है, जल्दी गिरफ्तार करके उस पर खिलाफ कार्रवाई की। कौन है मुलजिम और सर क्या था पूरा मामला? मुलजिम का नाम सुरेश पवार है, ये लोको कारखाने के अंदर तकनीकी सहायक है। वो अभी गिरफ्त में नहीं आया, उसको जल्दी गिरफ्त करके कार्रवाई की जाए। क्या कारण था, क्या फुटेज में क्या दिख रही है? इस प्रकार से फुटेज दिख रही है उसमें कोई स्कूटी को साइड में खड़ा करने को लेके दोनों में बोलचाल या बात होने की है, सीधा उस पर थप्पड़ मार रहा और जो मृतक है वो नीचे गिर जाता है। सर किस दौरान मृत्यु हुआ? 323/341 में दर्ज हुआ था, मृत्यु होने के बाद में 304 IPC ऐड कर दी गई। सर मृतक का नाम? मृतक का नाम ओम प्रकाश वैष्णव है और उसका एड्रेस है 62/12 हाथीबाटा।